રાજપીપળા સે એક ખબર સામને આ રહી હૈ જહાં કી નાંદોદ મામલેદાર કચેરી કે સભાખંડ મે સોમનાથ મહાદેવ મંદિર કે વસ્ત્ર પ્રસાદ વિતરણ કા કાર્યક્રમ આયોજિત કરવાયા ગયા થા। नांदोद के विधायक डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख की विशेष मौजूदगी में नांदोद मामलतदार कचहरी के सभाखंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। भगवान सोमनाथ महादेव वस्त्र प्रसाद वितरण का ये कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, जिसके तहत नर्मदा जिला के भक्त और ज़रूरतमंद लोग बड़ी तादाद में मौजूद रहे थे। इस कार्यक्रम के तहत सोमनाथ महादेव को भाविकों की ओर से अर्पित किए गए वस्त्र प्रसाद और साथ ही लड्डुओं का वितरण किया गया था। इस दौरान नांदोड के विधायक डॉक्टर दर्शनाबेन देशमुख ने यह बताया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की सूचना के मुताबिक ये कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि वहां पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से लाइव प्रसारण के माध्यम से सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन भी किए गए थे। आज रोज नर्मदा जिला ना राजपीपड़ा खाते सोमनाथ महादेव ट्रस्ट तरफ थी जरूरियातमंद गरीब लोगों ने બહેનો અને ભાઈઓને સાડીનું, પ્રસાદનું અને જબ્બાનું વિતરણ ગુજરાત સરકારના સંવેદનશીલ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી દ્વારા 23મી તારીખના રોજ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ એવા સોમનાથ મહાદેવ અને માતા પાર્વતીની પૂજા અર્ચના કર્યા પછી સમસ્ત ગુજરાતમાં દરેક જિલ્લામાં દરેક તાલુકામાં જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓને સાડી અને પ્રસાદ અને भाइयों माटे जब्बानु वितरण करवानो कार्यक्रम करवामा आवे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।